अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं अली रज़ा चैनल पी के अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पी के अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया जिसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे जो से आलम चौंगी साइट पर जाएँ और वहाँ जाकर जानवरों के रेट्स के बारे में हमको अपडेट करें। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको गुजरांवाला के मुख्तलिफ मंडियों में लेकर गए और वहाँ जाकर जानवरों के रेट के बारे में आपको अपडेट करते रहे। ऐसे ही आज हम एक भाई के पास यहाँ पर आए हैं और जिनके पास बहुत ही खूबसूरत दुम्बे, हम आपको इनसे पूछ कर बताते हैं अपने जो से जानवर हैं किस रेट पर सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की नाम है सर जी अपना? जर आलम। जर आलम सर जी, आज शहर देखो दूसरे शहर से जानवर बेचना आए? ये दूसरे घर से लेकर आए भैया, उधर हम सेल करते लेते ना व्यापारी हम, तो इधर बस 1500-1500 ऐसे मुनाफा लेके रहते हैं। कौन से शहर से आए हुए हैं? हम लालम से। लालम से से। तो सर इधर गुजरांवाला कब से आए हुए हैं, कितने दिन हो गए हैं? ये आज पहले बार दिन है। आज पहला दिन? पहला दिन। कितने जानवर आए थे आपने? हमने आया था 50 जानवर। 50 जानवर? ये तुर्की नस्ल है, पेवर। प्योर सारी तुर्की? प्योर तुर्की नस्ल है ये। ऐसे तुर्की अभी तक इसमें सारे जो है ना धुंधे हुए, ये जो है ना अभी वो काला दुम्बा है ना, ये अभी तक धुंधा भी नहीं हुआ है। ये इतना अच्छे से देखो ना, खाद आपको हम चेक कराते हैं तो फिर आप देख लो। सही है जी नादिन, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से जानवर हैं, इनके पास गाहक आ रहे हैं और जानवरों के रेट के बारे में इनसे पूछ रहे हैं और जानवर ले रहे हैं। माशाल्लाह ये कह रहे हैं अभी ये जानवर जो है ना धोंदा हो रहा है। तो सर जी माशाल्लाह अभी तक आपके कितने जानवर जो सेल हो गए हुए हैं? अभी तक एक हुआ है। अभी तक एक हुआ है, मतलब एक साथ देखा जाए आज आपका एक साथ पहला दिन है। अभी सेटअप वगैरह कल जी जी अभी किया ना, आज तो माल पहले बार दिन तक हुआ है ना, गाड़ी में जो आते हैं ना ये माल फिर जगह बदली हो जाते हैं ना, माल फिर डर जाते हैं ना। तो सर जी इस जानवर की क्या डिमांड कर रहे हैं? वैसे हम गाँव को तो बताते हैं 75 और 70 हज़ार रुपये, क्योंकि मतलब वैसे सौदा भी नहीं बनते, लेकिन ऐसे दुम्बा जो होना चाहिए तकरीबन 56-57 हज़ार रुपये, ऐसे 54-57 हज़ार रुपये का जानवर सेल कर देते हैं। तो सर इसमें जो साफी गोश्त कितना निकला? इसमें साफी गोश्त कम से कम 80 किलो होगा। 80 किलो मतलब जी, साफी गोश्त जी। ये अभी तक दुंदा भी नहीं है ना, ये ना सर जानवर कितना 6 माह का लगता है? ये 6 माह का लगता है, लेकिन ये तो अभी इसकी उम्र पर पूरा हुआ है ना। अच्छा, लेकिन वैसे 6 माह की उम्र कितनी होगी हुई है? ये अभी साल हुआ है, लेकिन ये नस्ल हो रहा है ना जल्दी, ये धुंधा नहीं हो सकते ना, मस्तन ये थोड़ा टाइम लगाते हैं इसको। सर ये जो था ये वाला माशाल्लाह अपना जानवर, ये भी धुंधा हुआ है, ये ऐसे धुंधा तक ये वाला जो चीज़ है ना ये तकरीबन 54-55 ऐसे लगभग हम सौदा करते हैं। और गाग तो जो है ना वो मसलन उसको ज्यादा रेट बताते हैं, फिर सौदा मौदा लिहाज खातर होते हैं ना, मतलब गुंजाइश करके 70 तक उसे बताते हैं और 54-55 के दरमियान जानवर सेल करते हैं। जी बिल्कुल सर, इसमें जो है साफी गोश्त कितना निकल आएगा जी? इसमें साफी गोश्त कितना निकल? गोश्त इंशाल्लाह वजन सारे को जैसे तकरीबन वो नहीं विदा पर के कोई 75-70 से ऊपर ऊपर इसके वजन है, 80-85 तक है इसमें। सही है, मतलब एक कद काट के जानवर है जी? जी एक ही कद का है। तो सर जी जो थे आपने जानवर कौन सी मंडियों से आपने लेकर आए हुए हैं ये जो जानवर? ये तो हमने बाहर से लेकर आते हैं, जो आदमी होते हैं ना पिछले साल जो ईद गुजर गए ना उनसे एक महीना बाद ये माल बाहर से आते हैं ना अफगानिस्तान से, फिर इधर व्यापारी लोग लाते हैं इधर, फिर जो आदमी होते हैं ना वो रखने के लिए वो ले लेते हैं फिर पेशावर से, यहाँ से फिर वो पालते पालते कोई 10-11 महीने खर्चा मसल डाल करके रखते है। उनसे बाद फिर हम उसको जो लगते। एक दिन का एक जानवर पर कितना खर्चा आ रहा है? एक जानवर का खर्चा तो इसका बहुत सारा काफ़ी सारा आता है, ये तकरीबन पहले जब बच्चे होते ना उस टाइम 10 माह हुआ है उस आदमी ने लिया हुआ था, उसने 26-26 हज़ार रुपये के बच्चे लिया हुआ था। नहीं नहीं, अब आप इन्हें 50 जानवर लाए हैं ना जी, इनका एक दिन का सब 50 जानवर का एक दिन का इनके तकरीबन 12 हज़ार रुपये खर्चा आते हैं, 12 हज़ार रुपये आते हैं, क्योंकि इसको हम चने वगैरह डालते हैं, मकई डालते हैं, मकई डालते हैं ना दाने जी, तो ये चना डालते हैं, चोकर बोटर डालते हैं ना, तूड़ी डालते हैं, तूड़ी असर में इसको 900 रुपये माने, वैसे भूसा जो होते हैं वो सस्ता होते हैं लेकिन वो इतना खुशी से खाता नहीं है। तो गुजरांवाला हर साल आते हैं कि सालियां नहीं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। तो सर जी जब आपके ये जानवर सेल हो जाएंगे आप और भी मंडियों से लेंगे? हाँ और भी लाएंगे, कोशिश करते हैं, लेकिन आज साल माल जरा शार्ट है ना, मुश्किल लग रहा है, अच्छी माल जो खूबसूरत माल है ना वो कम है, तो बाकी दरमियान आम माल जो है लग जाते हैं, लेकिन ऐसे ठोस माल जो होते हैं ना ये कम लगते हैं। इस वक्त इस दफा जानवरों के पीछे शॉर्टेज हुई है कि उन्होंने रोका हुआ है माल? नहीं आज साल बॉर्डर की वजह से जरा ना इधर भी गोश्त भी महंगा हो गया ना, कसाई वगैरह ने भी जो है ना अभी जो गाय 1300 रुपये किलो गोश्त, 1300 रुपये का अभी उधर किलो गोश्त है ना 12.5-1300 रुपये का। सही है, तो कसाई लोग इसलिए वो सोचते हैं ना इसके वजन ज़्यादा होते हैं ना उसको फायदा होता है, तो फिर जो कुर्बानी वाला लोग होते हैं ना उसे फिर कसाई जो होते हैं ना वो ज़्यादा
मसलन जी आपके पास सबसे कम रेंज वाला कौन सा कहाँ तक का जानवर, सबसे ज्यादा वाला कहाँ तक का जानवर? तकरीबन इसमें 52-53 से ऊपर ऊपर है, 52 से नीचे नहीं है, 52 से नीचे नहीं है, 52 से लेकर 60 तक के रेंज तक बकरा मतलब सब एक ही कद काट के, एक ही कद का, लेकिन इसमें कोई कलर में खूबसूरती होती है, कोई मसलन चाड़ा होता है, कोई मसलन ये बात होता है। तो सर जो था वो काला वाला है ब्लैक कलर का, तो उनके या इसके ब्राउन वाले के इनके गोशत में कुछ फर्क वगैरह? ना 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 फर्क नहीं, वैसे रंग कलर में फर्क होता है, गोश एक जैसे होते हैं। जी वो कौन सी नस्ल का है? ये सारे तुर्की है, लेकिन वो रंग में फर्क होते हैं ना, मसलन कोई काले होते हैं, कोई सुबह होते हैं, मतलब जो वैसे दुम्बा छोड़ते हैं ना दुम्बिया पे, उससे फिर बच्चा भी उस तरह आते हैं। सारे दुम्बे के पीर कोई दुम्बिया वगैरह भी हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ दुम्बा है, बस सारे दुम्बे ही हैं, सारा दुम्बे ही है। सर जी अपना कोई नंबर शंबर बता दें ताकि भाई ने लेना हो आपसे रहा कर सकते। थाबेदार क्यों नहीं बता सकता, नंबर लिखो 0300 पूरा 0300 पूरा 33 97 322। इसके अलावा और कोई नंबर है? इसके अलावा नंबर है, लेकिन वो कभी कभी बंद होते हैं, ये नंबर चलता रहता है, नंबर आपका रेगुलर चलता है, 24 घंटे चलता रहता है। अब आपका पक्का डेरा इधर ही है? पक्का डेरा हमारा तकरीबन इधर ही नहीं है, लेकिन इस थोड़ा आगे चेंज करता हूँ, आज लेकर आया ना वो जगह बना रहा था, आगे जगह लिया हुआ है, वो जगह किराया देते हैं, लाख रुपए किराया देते ईद तक एंड तक टेका हुआ है ना, उसमें साया भी है और पानी का भी निजाम भी बना हुआ है जी जी, और बाहर रोड भी जो है ना ये तो फिलहाल अभी मजबूरी से खड़ा किया ना, क्योंकि बाहर इधर पाबंदी है ना, मसलन कमेटी वाला फिर सही है वो कह रहे हैं, मतलब ऑर्डर ने जो है ये जानवर है जी, इन मेरे 70 से करीब करीब 70 से 80 के करीब करीब जी जी निकलेगा, जो गुजरवाला ये क्या नाम है मली चौक से आगे जो आलम चौक की तरफ जब जाएंगे ना परलियात पे जो खंडा आते हैं ना के नाम है उसका यादगार खंडा, उसके सामने जगह लिया हुआ है, सही है। आलू वाला कब तक चले जाना है? उधर कब तक? इंशाल्लाह शाम को जाएगा, वो जगह भी बराबर कर रहे हैं, सामान जरा सेट पे कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। मली चौक और जो था यादगार खंडा इसके दरमियान आपका इस वक्त डेरा लगा, अभी फिलहाल इधर लगा हुआ है, तो आगे जाकर आपने यादगार खंडा के सामने अपनी जगह ली हुई है जी, उधर ले लिया, वहाँ जाकर आपका डेरा पक्का इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है। जी नाज़रीन जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर है इनके पास, और 50 ये दुम्बे अपने लेकर आए हुए हैं, तो एक इनका सेल हो गया हुआ है, इनके पास 52 से लेकर 57-60 तक जो थे ना जानवर फाइनल उनकी डिमांड ये कर रहे हैं, अगर किसी भाई ने लेना हो तो इनसे इनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हमें इजाज़त दें, शुक्रिया।